नमस्कार, आज के इस वीडियो का इम्पोर्टेंस आप इसी बात से समझ सकते हैं कि 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, बोर्ड एंड कंपटीशन, सभी एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन आते हैं। यूँ कहें कि ये कैपेसिटर एंड कैपेसिटांस चैप्टर का समरी है, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, कोई एक्सग्रेशन नहीं होगा। तो चलिए, इतने महत्वपूर्ण चीज़ की चर्चा हम लोग थोड़ी सी जल्दी से कर लेते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर हेडिंग देख रहे हैं, इफ़ेक्ट ऑफ डायलेक्ट्रिक्स ऑन वेरियस पैरामीटर्स। यहाँ पर वेरियस पैरामीटर्स बोलने का मतलब चार्ज हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, एनर्जी स्टोर्ड। टर्म से क्लियर ही हो ही गया होगा कि हम कैपेसिटर्स के पैरामीटर की बात कर रहे हैं। अगर कैपेसिटर के पैरामीटर की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ऐसा मान लेते हैं कि एक कैपेसिटर को फुल्ली चार्ज कर दिया गया विद द हेल्प ऑफ सेल। ओके, इस पे चार्ज क्यू, ओके, जिसका कैपेसिटेंस सी, पोटेंशियल डिफरेंस वी, इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एनर्जी स्टोर्ड यू से डिनोट करते हैं। अगर हम यहाँ पर क्यू की बात लिखें, तो क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा सी वी होता है। कैपेसिटेंस सी की बात करें, तो सी इज इक्वल टू क्यू बाय वी हो जाता है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस वी की बात करें, ओके, तो वी इज इक्वल टू, हम यहां से देख ही सकते हैं, ये क्यू बाय सी के बराबर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जानते हैं, ई इज इक्वल टू वी बाय डी होता है, यहां पर डी डिस्टेंस, इसके बीच का जो गैप है। और एनर्जी स्टोर्ड की अगर हम बात करें, तो U इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर या क्यू स्क्वायर बाय सी वी होता है। ये इनिशियल कंडीशन है जब आपका कैपेसिटर चार्ज कर दिया गया फुली और ये पैरामीटर्स आपको देखने के लिए मिले। इनिशियली हमने किया क्या, एक सेल के हेल्प से कैपेसिटर को चार्ज किया और इनमें हमको 5 पैरामीटर जो मिले उसके एक्सप्रेशन नोट कर लिए। अब चलिए बात करते हैं कि अगर हम गैप को पूरी तरह से फिल कर दें, किससे फिल कर दें, डायलेक्ट्रिक स्लैब से, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हो, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के वाले से अगर इसको फिल कर दें, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, अब यहाँ पर चार्ज हम बोले क्यू डैस, कैपेसिटेंस सी डैस, पोटेंशियल वी डैस, इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैस और एनर्जी स्टोर्ड यू डैस। अब इन सब में क्या रिलेशन होगा, ये देखना हमारा काम है। हाँ, एक बात तक का ध्यान देंगे कि फाइनल स्टेट वाले में जो पहला कंडीशन हमने लिया है, फर्स्ट कंडीशन में सेल का कनेक्शन हमने हटाया नहीं है। अगर सेल का कनेक्शन हमने नहीं हटाया है, तो एक बात तो तय है, जो पहले पोटेंशियल था, अब फाइनल पोटेंशियल वही रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने सोर्स को कनेक्टेड रखा है, तो पोटेंशियल डिफरेंस में कोई बदलाव नहीं। ओके, रह गई बात, जैसे ही आपने डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस किया, कैपेसिटेंस मालूम है कि के टाइम्स ओरिजिनल कैपेसिटेंस हो जाएगा। अब अगर हम क्यू डैस की बात करें, बहुत बढ़िया चीज़, तो हम यहाँ पर सी डैस वी डैस लिख सकते हैं। ओके, सी डैस को तो हमने के इंटू सी और वी डैस को वी लिख दिया, मतलब के इंटू क्यू। क्या मतलब है इसका, कि जो चार्ज था पहले से के टाइम्स बढ़ जाएगा, अब डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना होगा उतना टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा। कैपेसिटेंस तो इंक्रीज कर ही रहा है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब रह गई बात इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई डैस इज इक्वल टू आप वी डैस बाय डी डैस कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर चूँकि पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहा है और गैप को आपने चेंज नहीं किया है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में भी कोई बदलाव नहीं आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज रह जाएगा। अब अगला इम्पॉर्टेंट, एनर्जी स्टोर्ड यू डैस। यू डैस को आप हाफ सी डैस वी डैस का होल स्क्वायर कर लीजिए। अभी यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं हाफ के इंटू सी और
वी प्राइम या वी डैश की जगह पर तो वी स्क्वायर ही लिखेंगे। ओके, तब ये के को इधर बाहर कर लीजिए तो के टाइम्स यू यानी एनर्जी के टाइम्स फिर इंक्रीज कर जाएगा। ये तब की बात हुई जब आपने डायलेक्ट्रिक को फुल्ली इंसर्ट कर दिया और सेल को कनेक्टेड रखा। ओके, ये केसेस में जहाँ जहाँ चेंज हुआ आपको दिख रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहा, बाद बाकी सब कुछ के टाइम्स इंक्रीज कर गया। अब नेक्स्ट केस की बात हम लोग करें, फिर से थर्ड वाले केस में आप डायलेक्ट्रिक स्लैब के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का इंट्रोड्यूस कर दीजिए बिटवीन द प्लेट्स, और जब इंट्रोड्यूस आपने कर दिया तो चलिए यहाँ पर भी हम मान के चलते हैं कि नया क्वांटिटी क्यू डैश वी डैश सी डैश ई डैश और यू डैश इतने मिले, लेकिन इस बार इस सेल का करेक्शन हटा देना है, सेल कनेक्टेड नहीं रहेगा। जैसा लिखा भी हुआ है कि डायलेक्ट्रिक स्लैब इज फिल्ड इन द गैप एंड सेल इज डिसकनेक्टेड। अच्छा, सेल को डिसकनेक्ट करने के बाद एक चीज़, जैसे आप मान लीजिए कि एक नल के नीचे बकेट रखे हैं, टैप बंद कर दें, तो बंद करने के बाद क्या होगा, जितना पानी बकेट में भरा हुआ है पानी उतना ही रहेगा। उसी तरह से जब हम चार्ज कर रहे थे, भले हमने कुछ भी किया, जो अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर हो चुका था वो एज इट इज रहेगा। मीन्स आप यहाँ पर क्यू डैश को क्यू लिखेंगे। ओके, डायलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करने के बाद से एकदम साफ सी बात है कि जो कैपेसिटेंस होती है वो के टाइम्स इंक्रीज कर जाती है। अब इस केस में अगर हम वी प्राइम या वी डैश की बात करें तो यहाँ पर क्यू डैश बाय सी डैश करना होगा, और जब आप ऐसा लिखेंगे तो क्यू डैश के लिए तो आपने क्या लिख दिया, क्यू लिख दिया, और सी डैश के लिए के बाय के इंटू सी, तो ये क्या हो गया, वी डिवाइडेड बाय कितना के, यानी आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1/k टाइम्स डिक्रीज कर जाएगा, बाय फैक्टर 1/k डिक्रीज कर जाएगा। जहाँ तक इलेक्ट्रिक फील्ड की बात है, ई डैश इज इक्वल टू आप वी डैश बाय डी डैश लिखते, वी डैश को वी बाय के और डी तो एज इट इज रहता, यानी कि ये आपको ई बाय के हो जाता है, यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के टाइम्स आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाय 1/k फैक्टर डिक्रीज कर जाता है। अब रही बात एनर्जी स्टोर्ड, चलिए इस केस की बात करें तो एनर्जी स्टोर्ड हाफ इंटू सी डैश वी डैश का होल स्क्वायर, यहाँ पर जब आप लिखेंगे तो हाफ ये तो के सी और ये भी डिवाइडेड बाय के का होल स्क्वायर, एक ठो के कट जाएगा, एक के नीचे बच जाएगा, यानी ये रिजल्ट आएगा यू बाय के, यानी एनर्जी भी डिक्रीज कर गया बाय फैक्टर 1/k टाइम्स। ये टेबल कुल मिलाकर के दो डिफरेंट सिचुएशन 5 क्वांटिटी को डील करता है, और मैंने जैसे शुरू में ही बताया यहाँ से 5 मार्क्स के अगर क्वेश्चन आए तो पांचों पैरामीटर पूछेगा, लेकिन पांचों पैरामीटर कब पूछ सकता है, पहला केस आपका इनिशियली चार्ज वाला रहेगा और दूसरा डायलेक्ट्रिक फील्ड वाला रहेगा। अब डायलेक्ट्रिक फील्ड वाला में भी आइदर सेल कनेक्टेड का केस रहेगा और नहीं तो सेल डिसकनेक्टेड का, एक पार्ट आप सही करते हैं आपको एक मार्क्स अवार्ड ऐसे ही हो जाएगा। और कई बार बोर्ड एग्जाम में ये देखा गया है कि ये पांचों पैरामीटर पूछा है और 5 मार्क्स का, लोग ऐसा सोचते हैं कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन लॉन्ग आंसर होते हैं, 3-4 पेज लिखना पड़ता है, लेकिन आज क्वेश्चन का पैटर्न बदल चुका है, बहुत ज़्यादा लिखने से बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं आता, आपको टू द पॉइंट होना पड़ता है क्वेश्चन क्या पूछा उसके हिसाब से। तो होप ये आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे पाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।